भिवंडी शहर के रामनगर इलाके में शिवसेना पार्टी के अल्पसंख्या भिवंडी शहर उपाध्यक्ष आलम हाशमी के कार्यालय का उद्घाटन किया भिवंडी शहर माजी आमदार रुपेश माथरे ने। और इस मौके पर माजी आमदार रुपेश माथरे ने आलम हाशमी ने और लोगों ने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं सैयद जिशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। आज हमारे अल्पसंख्यक भिवंडी शहर उपाध्यक्ष आलम भाई का कार्यालय का उद्घाटन के तौर इस प्रसंग में हमारे साथ हमारे अखिल भाई, यहाँ के हमारे फारूक भाई, सलमान भाई और यहाँ के हमारे विभाग प्रमुख टिंकू भाई और आलम भाई के सभी सहयोगी। सबसे पहले मैं इन सबका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारे फारूक भाई और ये आलम भाई जो है इससे पहले लहूजी सेना का काम करते थे। पिछले कई दिनों के पहले ये हमारे शिवसेना में शामिल हुए और इनका कार्य अभी से शुरू हुआ है। साथ ही साथ में इन्होंने ये कार्यालय का यहाँ पर ओपनिंग रखा है। निश्चित रूप से ये कार्यालय से यहाँ के लोगों के लिए जो अच्छा काम होना चाहिए, जो शिवसेना पार्टी के माध्यम से होने वाला काम है या अल्पसंख्यक सेना के माध्यम से होने वाला काम, ये लोग निश्चित रूप से सभी लोगों को सुविधाएँ पहुँचाने का काम करेंगे। अभी तक तो ये एरिया में हमारे टिंकू भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। अभी ये लोग भी उनके साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर अच्छा काम करेंगे और अल्पसंख्यक सेना जो हमारी है शिवसेना की, इसका भी अच्छा नाम करेंगे और शिवसेना का कार्य जो है घर घर तक पहुंचाने का काम ये निश्चित रूप से करेंगे, ये मुझे विश्वास है। इससे पहले अभी मैं क्रांति लवजी सेना था और मैं पूरे महाराष्ट्र में और आमदार साहब का मैं ओपनिंग करने का बहुत बहुत धन्यवाद और उसके ये काम आमदार साहब ने पूरे भिवंडी में बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा करेंगे। मतलब बोलने वाले जैसे बोलते हैं उनके बोले जानेगा नहीं, क्योंकि जो काम किए वो दिखाए। और अभी हम उनके सामने शामिल हुए हैं शिवसेना में, इनका बहुत अच्छा है। और टिंकू भाई हमारे यहाँ पे इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनके मध्य हम लोग जुटे हैं और हम लोग जो अच्छा काम करेंगे शिवसेना को आगे बढ़ाने का आगे बढ़ाएंगे और शिवसेना को हम लोग महाराष्ट्र में जमा के रहेंगे। आज आलम भाई शिवसेना में शामिल होके उनके ऑफिस की ओपनिंग रखा है, रुपेश दादा साहब को बुला के ओपनिंग किया है और इनका अच्छा काम देख के शिवसेना ने इनको पद भी दिया है शिवसेना पार्टी की तरफ से। और आज भिवंडी में रुपेश दादा माथरे साहब का अच्छा काम देख के युवा लड़के लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शिवसेना में ज्वाइन होते जा रहे हैं और आगे हमें आगे हमारी नगर सेवक की तैयारी रहेगी। और यहाँ से हमारे टिंकू भाई लड़े थे, अभी दोबारा इंशाल्लाह वापस से अलग सीट निकालेंगे। और आज जो हमारा आलम भाई के जो है हमारे उद्घाटन किया गया है भिवंडी शहर उपाध्यक्ष का, अल्पसंख्या का इनको पद दिया गया है। और हमारे जो है इसी कार्य में सलमान भाई, इस्लाम भाई और हमारे टिंकू भाई और हमारे गुड्डू भाई सब लोग यहाँ पे उद्घाटन के टाइम पे आए। और रुपेश दादा को भी मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि इतने बारिश में इतने इसमें वो आके उद्घाटन करके गए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हमको इतनी खुशी हुई, हमारे पार्टी में सब ज्वाइंट हो गए, शिवसेना सेना में आ गए, आमदार साहब खुद आके इधर ओपनिंग करके दिए। आज आमदार साहब का इतना अच्छा साथ है, गरीब लोग के लिए टिकट देते, गरीब लोग के लिए मदद करते। सैयद जिशान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।